सानहा मॉडल टाउन, नई जीआईटी की तहकीकात तेज, केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ। शहबाज शरीफ को भी आइंदा हफ्ते जीआईटी के सामने पेश किए जाने का इम्कान। एफआईआर में शामिल पुलिस एहलकारों का बयान कलमबंद। सानहा मॉडल टाउन की तस्वीर और वीडियोज बनाने वाले 9 अफराद का बयान भी रिकॉर्ड। नैब पर पहले ही बड़े इल्जामात लग रहे हैं, अब नैब बेंच भी अपनी मर्जी से बनवाएगा। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर नैब का एतराज मुस्तरद। नैब ने मौजूदा बेंच तब्दील करने की इस्तदा की थी। केस की समाअत जस्टिस शहजाद मलिक पर मुश्तमिल बेंच ही करेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार शमीम खान ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब ने शहबाज की दरख्वास्त जमानत के खिलाफ दस्तावेजात जमा करा दी। रमजान शुगर मिल्स केस में दलाइल के लिए वकला आज तलब। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को लंदन में मजीद 14 रोज कायम की इजाजत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक इरफान ने हमजा शहबाज की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। बेटी को दिल का मसला है, तनहा नहीं छोड़ सकता। हमजा शहबाज ने अदालत से मजीद रुकने की इजाजत मांगी थी। हमजा शहबाज को पंजाब में चेयरमैन पीएसी बनाने का हतमी फैसला। वजीर कानून बिशारत राजा कहते हैं विफाक में हुकूमत और अपोजिशन तनाव का पंजाब में फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत अपोजिशन से तयशुदा मामलात पर अमल दरामद करवाएगी। वजीर आला और स्पीकर की वापसी पर असेंबली इजलास बुलाया जाएगा। पीएससी के चेयरमैन का चुनाव इलेक्शन के जरिए होगा। और डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद वकास नजीर की जेर सदारत इजलास। मॉडल टाउन डिवीजन में क्राइम कंट्रोल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर की काना सर्कल में जराइम को तशवीशनाक सूरतहाल पर अफसरान की सरजनिश।